मैं हूं जीशान आरिफ और आप देख रहे हैं अपने इस YouTube चैनल जीशान मॉनिटर। आज के इस वीडियो में ही आपको बताने वाले हैं फ्री में आप अपना किस तरह अपना वेबसाइट शॉपिंग वेबसाइट बना सकते हैं। सभी तरह की शॉपिंग वेबसाइट आप बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। डोमेन भी आपको नहीं खरीदना होगा, डोमेन भी आपका मनपसंद का मिलेगा जिसमें एक भी रुपया नहीं देना होगा। और नॉर्मली डिज़ाइन अपने वेबसाइट को बहुत अच्छे से फ्री में कर सकते हैं। और कंपनी का प्रोडक्ट को आप अपनी वेबसाइट के द्वारा बेचकर अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको खुद का कोई प्रोडक्ट बेचने की ज़रूरत नहीं है, आपकी वेबसाइट रहेगी लेकिन प्रोडक्ट जो रहेगा वो आपको कंपनी देगी। कंपनी से प्रोडक्ट लेना है और अपनी वेबसाइट पे आपको अपलोड करना होगा। अपलोड करने पे जो भी आपकी वेबसाइट से परचेज करेगा वहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा इसलिए क्योंकि आपका खुद का प्रोडक्ट नहीं है और वो प्रोडक्ट आप खुद नहीं पहुँचाएंगे, वो सारा चीज़ कंपनी करेगी। ऑर्डर भी कंपनी लेगी और डिलीवरी भी कंपनी ही कराएगी। सिर्फ आपको करना है कि आपको उनका प्रोडक्ट को आपको अपनी वेबसाइट के द्वारा लोगों तक पहुंचाना है। लोग आपकी वेबसाइट के द्वारा उनकी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, परचेज करने के बाद आप यहाँ वहाँ से खरीदेगा तो वहाँ पे आपको कमीशन मिलेगा। तो इसी बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं किस तरह आप अपना वेबसाइट शॉपिंग वेबसाइट बना सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे YouTube पे सर्च करेंगे जीशान मॉनिटर तो आपको ये चैनल आ जाएगा, लोगो आप देख सकते हैं जीशान मॉनिटर। इसको आप ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपकी सुविधा के लिए बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पहले से बना के दिया हो तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ वैकेंसी के बारे में। बहुत सारे यहाँ पर वीडियो मैंने आपको बता दिया हूँ कि मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें, बिना डिजी लॉकर के बिजली बिल कैसे भुगतान करें, राशन कार्ड कैसे डाउनलोड करो, राशन कार्ड कैसे अप्लाई करें। बहुत सारे मैंने पहले से ऑलरेडी आपके लिए वीडियो बना दिया। स्कॉलरशिप कैसे लें, मिनी बैंक कैसे खोले, सारे चीज़ के बारे में पहले से वीडियो बना चुका हूँ। तो चलिए समय ने गंवाती हुई आज के मेन टॉपिक पर आते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज भी आपसे गुजारिश करेंगे अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेबसाइट बनाने से पहले सबसे पहले आपको वेबसाइट देख लेना चाहिए। ये मैंने वेबसाइट बनाई है, मेरा वेबसाइट देख पा रहे जीशान मॉनिटर। और यहाँ पे देखिए होम, अबाउट, शॉपिंग एंड रिटर्न, एफएक्यू, कॉन्टेक्ट, ऑल प्रोडक्ट, ये सब ऑप्शन हमें ऐड किया गया। और यहाँ पे जो भी मतलब कार्ड में ऐड कर सकते हैं जो भी प्रोडक्ट, उसको इस तरह इमेज आप लगा सकते हैं, यहाँ पे बटन वगैरह लगा सकते हैं और इसी तरह आप वेबसाइट बना सकते। ये मैंने वेबसाइट बनाया, देख पा रहे वेबसाइट का लुक कितना अच्छा आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल फ्री में। और आप इससे अर्निंग भी कर पाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। ये प्रोडक्ट भी मेरा नहीं है लेकिन वेबसाइट मेरा है, मैं अपनी वेबसाइट पर दूसरे का प्रोडक्ट बेच कर इनकम कर सकता हूँ। तो इस तरह का आएगा यहाँ पे देख पा रहे। और यहाँ पे नीचे में भी आ जाएगा, यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते, मतलब अपना ट्विटर का, फेसबुक का, व्हाट्सअप का लिंक जो लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने एक ही लिंक लगाया व्हाट्सअप सॉरी यूट्यूब का आइकन यहाँ पे दिखने को मिल रहा है। इस आइकन पे जैसे मैंने क्लिक किया तो न्यू विंडो में मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। तो ये कितनी डिजाइन कितनी अच्छी, बिल्कुल फ्री में आपको ये वेबसाइट बन जाएगा और इससे आप हजारों रुपए मंथली कमा सकते हो बिना अपना प्रोडक्ट, बिना अपना सामान बेचे हुए। कंपनी के सामान बेचना है, अर्निंग करना है, कैसे, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आएगा शॉपमैट्रिक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए शॉपमैट्रिक। तो इस पर आ जाएंगे, इस पर आने की वेबसाइट का लुक कुछ इस तक आपको दिखने को मिलेगा। ये वेबसाइट भी कितना मस्त इसका सेंटर फेस है। सबसे पहले वेबसाइट बनाने के लिए आपको साइनअप करना होगा। साइनअप करने के लिए साइनअप बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करना होगा, आपका थेम्स, आपके वेबसाइट का थेम्स कौन सा रहेगा। मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था, देख पा रहे हैं फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला कितना अच्छा लुक था। जो भी थेम्स रखना है आपको, जो भी टेम्पलेट रखना है वो आपको सेलेक्ट करना होगा।
तो मैं अभी एक न्यू टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ, ये वाला मैं टेम्पलेट सिलेक्ट करता हूँ। इस टेम्पलेट को देखेंगे तो यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करके देख सकते हैं आपको किस तरह देखने को मिलेगा। इस पर काम करना चाहते हैं तो स्टार्ट विथ दिस लेआउट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पूछ रहा है आपका शॉप किस कंट्री में है, वो कंट्री आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है कंफर्म करने के इंडिया इज सिलेक्टेड एस योर होम कंट्री, ठीक है। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ गलत है तो रीसेलेक्ट करते हैं, नहीं तो कंफर्म कर देंगे। मैं कंफर्म कर दें, यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, यहाँ मोबाइल नंबर देंगे और एक पासवर्ड यहाँ पे रख लेंगे। उस पासवर्ड को यहाँ पे हम रख लेते कोई भी ऐसा पासवर्ड, मैंने मोबाइल नंबर पासवर्ड इंटर कर दिया। उसके बाद इस बॉक्स में टिक मार्का लगा देंगे। टिक मार्का लगाने के बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ओटीपी जाएगा आपके मोबाइल में। यहाँ पे मोबाइल नंबर वही देना है आपको जो मोबाइल नंबर आपको वेबसाइट पे शो कराना है। ये मोबाइल नंबर आपके वेबसाइट पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे इस मोबाइल नंबर पे ओटीपी गया, वन टाइम पासवर्ड, उसको इंटर करता। तो जो भी ओटीपी आपके मोबाइल पर आया उस मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ भी बता रहा है हमारा ओटीपी गलत है, तो मैं फिर से यहाँ पे ओटीपी को चेंज कर देता हूँ, न्यू ओटीपी देता हूँ। तो मैंने ओटीपी दे दिया, उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ये ओटीपी तो यहाँ पे देख सकते हैं, ओटीपी वेरीफाई सक्सेसफुली हो चुका है, कैरियट अकाउंट हमारा हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पे आपका नाम मांगेगा, जो भी आपका फर्स्ट नेम होगा वो नाम आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए, ठीक है। मेरा जो नाम है फर्स्ट नेम, वो नाम मैं यहाँ पे इंटर कर, जिसका मैं बना रहा हूँ उसका नाम फर्स्ट नेम, ऑनर का नाम इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जो उसकी वेबसाइट का नाम मैं रखूँगा, तो वेबसाइट का नाम यहाँ पे मैं रेहान की वाइन से रख देता हूँ। नाम ऐसा रखिएगा जो अच्छा रहेगा, मतलब जो शॉपिंग रिलेटेड नाम वो दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये नाम नहीं दूंगा, चिप एंड बेस्ट, चिप इन बेस्ट ऑनलाइन शॉप, ठीक है। मैंने वेबसाइट का वो सॉरी स्टोर का नाम जो है अपने कंपनी का नाम जो दिया, चिप्स एंड बेस्ट ऑनलाइन शॉप। उसके बाद यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस दे देना होगा, ठीक है। जो भी ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस यहाँ देना है। ये ईमेल एड्रेस आपको वेबसाइट पे शो करेगा, मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आपके वेबसाइट पे शो होगा, वैसा ही दीजिए जो शो करवा सके आप, ठीक है। तो यहाँ पे नाम शो नहीं होगा, बल्कि आपका दुकान का नाम शो होगा और ये ईमेल एड्रेस मोबाइल नंबर शो होगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है आपका जो बिजनेस है वो किस एरिया में है, उस एरिया का पिन कोड देंगे, नहीं तो यहाँ से आप एड्रेस मैनुअल फिल कर सकते हैं। इसका जो एड्रेस है वो मैं इंटर कर देता हूँ। उसके बाद देखिए, ये वाला मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पूरा आ गया, इसको सिटी यहाँ देंगे, यहाँ बिहार सेलेक्ट और ये पिन कोड इंडिया वगैरह, सिटी जो भी है वो सिटी आप यहाँ पे दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। ये एड्रेस फिलअप हो गया आपका दुकान का, आपका शॉप स्टोर का। तो उसके बाद जो आपको वेबसाइट है कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पे देखिए ऐड प्रोडक्ट में क्लिक टू ऐड प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करके ऐड प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हैं। पूरी चीज़ आपको विस्तार से हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से ऐड प्रोडक्ट पे आ जाना, यहाँ पे आपको अपलोड इमेज पे क्लिक करना होगा, जो प्रोडक्ट आप सेल करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट का फोटो आपको अपलोड करना होगा। चलिए मैं एक ये मोबाइल अपलोड करना चाहता हूँ सेल, इसको यहाँ से जूम आउट कर लेंगे, ये इसमें आना चाहिए पूरा, तब अच्छा रहेगा, ठीक है। इस तरह उसका डाउन बटन पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर उसका सेविंग हो रहा है, ये फोटो जो सेव हो रहा है, सेव हो चुका फोटो। अब एक साथ चार फोटो अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रोडक्ट का नाम, मैं फोन लिख दिया और इसका प्राइस जो मैं यहाँ पे 16,000 लिख देता हूँ। ओ सॉरी, मैं इसका प्राइस जो मान लीजिए मैं 8,000 में बेचना चाहता हूँ, ठीक है, 8,000 में, और मैं इसको ख़रीदा था 16,000 में सेकेंड हैंड मान लीजिए, ठीक है। नया तो नया आप दीजिएगा सेल प्राइस में, और ओरिजिनल प्राइस में एक ही दीजिएगा, एक ही रेट में। मैंने इस फ़ोन को 16,000 में किना था, मिसाल के तौर पे मैं 8,000 में बेचना चाहता हूँ, तो सेलिंग प्राइस जो 8,000 होगा, ओरिजिनल प्राइस जो 16,000 होगा, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे फोन का जो डिस्क्रिप्शन और फोन के बारे में यहाँ पे लिख देना आपको, जो भी चीज़ लिखना है, नहीं तो आप गूगल से कॉपी करके यहाँ पे लाकर पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी, आपका कैटेगरी कौन सा कैटेगरी है, यहाँ पे आप कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना होगा।
वहाँ पे जो भी कैटेगरी है आपका वो कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये मोबाइल कितने पीस आपके पास स्टॉक है वो आप यहाँ पे देंगे, 5 to 5, 1 to 1, जितना पीस आपके पास स्टॉक है वो देंगे ताकि ये ऑर्डर भी उतना ही ले। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। ऊपर में मैंने एक प्रोडक्ट अभी ऐड किया, यहाँ पे एडिट होम पेज, एडिट स्किप कर सकते हैं। ठीक है, होम पेज पे जाएंगे अभी। ठीक है, तो होम पेज पे जाके देखना चाहिए सबसे पहले वेबसाइट का, और यहाँ पे आईमेज को एडिट कर सकते हैं, ये सब बताएगा। ठीक है, ठीक है, ये वेबसाइट बन चुका है। यहाँ पे माय ब्रांड है, माय ब्रांड के को चेंज कर सकते हैं आप। माय ब्रांड को चेंज करके यहाँ पे जो आपका कंपनी का नाम होगा उस नाम का एक फोटो, मतलब कि एक वाइट पेपर पे लिख देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह लिख रहा है, वो भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले पेंट ओपन कर लेंगे। मैंने पेंट ओपन कर लिया और यहाँ पे मेरा ये एक फाइल, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, तो पेंट ओपन कर लेना है। पेंट में आपको एक फाइल पेज इस तरह बना लेना है, उसके बाद यहाँ पे ए सेलेक्ट करना है। ए सेलेक्ट करेंगे, ए सेलेक्ट करने के बाद इससे खींच लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका शॉप का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। साइज थोड़ा बड़ा है, साइज को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, जो भी आपका मतलब वेबसाइट का नाम है वो एक लिख लेंगे। ठीक है, मेरा शॉप का नाम ये है, तो ये लिख लिया मैंने। क्वालिटी थोड़ी डाउन हो रही है, इसको हम चेक कर लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए मैं फोटोशॉप में लिख लेता हूँ। फोटोशॉप में बना लिया मैं, और फोटोशॉप में ही मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये लिख चुका हूँ फोटोशॉप में, और इसी कलर जो चेंज कर देता हूँ। देख लीजिए, मैंने फोटोशॉप में इसको लिख चुका हूँ ये वाला। ठीक है, अब क्या करना, अब इसको जेपीजी भी सेव कर लेना होगा। मैं इसको जेपीजी में सेव कर लेता हूँ, कोई भी नाम से मैं सेव कर लिया। उसके फिर वेबसाइट पे जाएंगे। देखिए वेबसाइट पे आ चुके हैं, अब माय ब्रांड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे, और वो फाइल ले लेंगे जो सेव किया था ये फला। और ठीक है, यहाँ पे इसको आप छोटा कर लेंगे, यहाँ से स्मॉल कर लेंगे इस टाइप का। उसके बाद इस तरह एडजस्टमेंट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से कौन सा लुक अच्छा लगता है, तो इस तरह आप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डाउन बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए सेविंग हो रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं आपकी वेबसाइट पर आ चुका है चिप एंड वेस्ट। ठीक है, ये सब रहने दीजिए, ये सब बाद में करेंगे। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये वॉलपेपर बैकग्राउंड में, ये अगर चेंज करना चाहे तो इसको आप यहाँ से यहाँ देख पा रहे हैं, इमेज एडिट बैकग्राउंड, एडिट बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से अपलोड इमेज पे क्लिक करके आप इमेज ले, या तो यहाँ से कलर है, कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको कुछ नहीं करूँगा, रहने देता हूँ, ये बहुत अच्छा लुक है। और यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, इसको यहाँ पे देखिए इसको कुछ लिखा हुआ है, इसको भी आप चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ उसी का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ उजला है, वाइट पे वाइट पता नहीं चला, इसलिए इसको कलर करेंगे। यहाँ पे जैसे इस पे लिखेंगे तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट कलर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ बहुत सारे कलर आ जाएंगे, वो कलर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे कोई और चीज़ लिखने का, इसका डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन, जो भी लिखना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि इस तरह वेबसाइट बनता है। और यहाँ पे जो भी कलर लेना वो ले लेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखिए वेबसाइट का जो कलर है हाँ, ओके,
ये हो चुका। उसके बाद यहाँ पे देख ली, ये तेरा चीप एंड बेस्ट ऑनलाइन शॉप। उसके बाद मैंने जिसान मॉनिटर लिख दिया हूँ, अपना वेबसाइट का लिख लीजिएगा, ठीक है, तो अच्छी रहेगी, चलेगा। उसके बाद यहाँ से क्लिक टू एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको लिख देना है कुछ भी। मैं मोर लिख देता हूँ, मतलब आगे अधिक जानकारी, मैं मोर लिख दिया। अब मोर लिखने में जो भी इस पर क्लिक करेगा, वो जो हम लिखेंगे इसमें अंदर, इसके अंदर वो आ जाएगा। तो अभी हम इतना ही छोड़ते हैं, उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये प्रोडक्ट है, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, ये जो एम एज ये प्रोडक्ट मान लेते हैं। अब इस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पर क्लिक किया, एडिट, यहाँ पर इसको हम एक तरह से कप लिख देता है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट का जो नाम होगा वो लिख लेंगे, इस तरह एडिट करके हटा देंगे। मान लीजिए एक कप है, कप है, और इस कप के बारे में यहाँ पे एडिट करके इसके बारे में डिटेल यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद इसको कोई खरीदना चाहेगा तो यहाँ पे लैंड मोर है, तो इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा देंगे, मैं बाय लिख दूंगा, ठीक। इस तरह कोई इस पर खरीद सकता है, ये बटन भी लग चुका है, ये भी इसका डिस्क्रिप्शन भी हो गया। ये प्रोडक्ट आप बदल भी सकते हैं। मैं इसलिए किचन वाला ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने टेम्पलेट जो लिया था वो किचन वाला लिया था, तो इसलिए किचन के सामान आ रहे हैं। लेकिन इसको भी आप चेंज कर सकते हैं, जहाँ मान लीजिए किचन के, तो इसको आप एडिट क्लिक किया तो एडिट करेंगे, जो लगाना उसका वो फोटो अपलोड करेंगे, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे मैंने किचन का जो वेबसाइट बनाया था, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। तो यहाँ बहुत सारे इस तरह वेबसाइट आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए इसका नाम जो ये है, इसको नाम चेंज करेंगे, जो भी नाम हो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ग्लास, तो यहाँ पे उसके बारे में, और यहाँ पे बटन जो है, इस बटन पे लाल जो है ये बटन देख रहे हैं, इसमें हम बाय लिखेंगे, क्योंकि खरीदेगा कोई तो बाय पे ही क्लिक करके खरीदेगा ना। यहाँ बाय, इसी तरह जितने प्रोडक्ट को आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने के लिए यहाँ प्रोडक्ट बाय क्लिक टू एडिट पे क्लिक करेंगे, जो प्रोडक्ट बेचना है उसको अपलोड करेंगे, उसके बारे में यहाँ पे पूरा टाइटल देंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे छोटा सा। उसके बाद बाय बटन पर, यहाँ पे बाय बटन है, इसको आप ये कर सकते हैं, चेंज करके यहाँ बाय बटन लगा सकते हैं, ओके। ये हो चुका, इसी तरह आप कर लेंगे पूरी तरह। उसके नीचे आ जाना, नीचे आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरह जो भी बेचना है वेबसाइट को आप लगाते रहना है, धीरे धीरे चेंज करते रहना है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी स्पीक आएगा हमारी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे मोर पे जो क्लिक करेगा उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिया ही नहीं, तो मिलेगा कैसे, तो किस तरह देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये मेरा वेबसाइट है, ये मेरा वेबसाइट है जिसको मैंने ऑलरेडी पहले से बना चुका है। इस वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा, और इस बटन में हम उस वेबसाइट को लेंगे, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पर इस तरह आ जाएंगे। यहाँ पर देख पा रहे एक लिंक का ऑप्शन, लिंक पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक लिंक पेस्ट करने का, लिंक देने का, लिंक को पेस्ट कर देता हूँ मैं, और ऐड कर देता हूँ। अब ये बटन पे जो भी क्लिक करेगा वो नया टाइम में उसको मेरा वेबसाइट खुल जाएगा, ठीक है। अब मोर जानकारी चाहिए तो आप एक पेज में लिख लीजिए पूरा सा, उसको उसका लिंक बना लीजिए। लिंक किस तरह बनाते हैं, लिंक पहले इस वीडियो में बना चुका हूँ। कोई चीज़ को आप लिख लीजिए जेपीजी फाइल में, ठीक, उसको आप गूगल ड्राइव में अपलोड कीजिए, लिंक बना लीजिए, उस लिंक को लाकर आप पेस्ट कर दीजिएगा, वो मोर जानकारी वहाँ से ले सकता है। लिंक बनाना मैं पहले से बता दिया था वीडियो में, ठीक है। आप मान लीजिए ये कप है, कोई इस कप को खरीदेगा, कप का डिटेल तो यहाँ तो मिल गया उसको, लेकिन खरीदेगा बाय भी क्लिक करेगा, कुछ नहीं खुलेगा, तो क्या कैसे खुलेगा, तो यहाँ पर कैसे सेल कर सकते, ठीक है। इसके लिए आपको अमेजोन पर जाना है, ठीक है। तो मैं अमेजोन को वेबसाइट को ओपन करता हूँ, क्योंकि अमेजोन एक ऐसी वेबसाइट है, अमेजोन फ्लिपकार्ट, जो मतलब कि प्रोडक्ट को सेल करती बेचती है। मान लीजिए मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ, ये जूता है, ठीक है, ये जूता मान लीजिए जूता है। अब मान लीजिए मैं इस जूता, इसको हटा के जूता लगा दूंगा। अब जूता को बेचना है तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको एफिलेट मार्केट, मतलब कि अमेजोन पे एक एफिलेट मार्केट होता है, जिसके बारे में यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बना, उसका अकाउंट बना लीजिए। एफिलेट मार्केट क्या होता है कि अमेजोन का कोई भी सामान आप बेचेंगे तो उस पर आपको कमीशन मिलेगा। कैसे बेचेंगे, उसके लिए सिर्फ आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें उस लिंक से जो भी खरीदेगा
आपको जो लिंक दिया जाएगा जो भी प्रोडक्ट का, वो लिंक से जो भी कुछ खरीदेगा तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। जैसे ये जूता, इस जूता का मैं लिंक बनाऊंगा, लिंक किस तरह बनाते हैं उसका पहले से वीडियो बहुत सारा यूट्यूब पे बना हुआ है अमेजोन एफिलेट मार्केट के नाम से, वहाँ से आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैं चलिए दिखाता हूँ किस तरह मैं आप लिंक इसका बनाता हूँ। ठीक है, तो मैं जो एफिलेट मार्केट से लॉगिन कर चुका हूँ, जैसे आपका एफिलेट अकाउंट बन जाता है उस अकाउंट से आप लॉगिन करेंगे तो ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे देख पा रहे इस प्रोडक्ट का लिंक लेने के लिए ऊपर में गेट लिंक वाले ऑप्शन में क्लिक करें, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जब ये लिंक तभी मिलेगा जब आपको एफिलेट मार्केट का अकाउंट बन जाएगा। एफिलेट मार्केट का अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं बता दिया हूँ यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, वहाँ से आप देख के बना लीजिएगा। तो मान लीजिए इस प्रोडक्ट का लिंक हमको निकालना है। ठीक, अब लिंक हम किसी को भेजेंगे, चाहे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या अपनी वेबसाइट के द्वारा किसी को भी लिंक भेजेंगे, उस लिंक से जो भी खरीदेगा उसका कमीशन आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए ना, आपको वेबसाइट बनाने में कुछ रुपया लग रहा है, ना प्रोडक्ट खरीदने में रुपया लग रहा है, ना आपको बेचने का टेंशन, ना आपको सेल करने का, ना आपको डिलीवरी करने का, कोई टेंशन नहीं। सिंपली आपको प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट का फोटो और डिटेल सारा चीज़ अमेजोन से लेना है, लिंक भी अमेजोन से लेना है, अपनी वेबसाइट पर जाकर सिर्फ अपलोड करना होगा इसको। ठीक है, इसका लिंक लेते हैं, लिंक लेने के लिए यहाँ गेट लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का आ जाएगा, यहाँ पे लिंक हमारा आ चुका है इसका, इस लिंक से अब जो खरीदेगा वो मेरा मतलब उसका कमीशन हमको मिलेगा। ठीक है, तो अब चलिए हम वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब इस पर कोई खरीदेगा, यहाँ बाय बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस जो मैंने प्रोडक्ट का लिंक बनाया उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब कोई भी बंदा आएगा इसको खरीदना चाहेगा, मान लीजिए यहाँ पे जूता, एक मिसाल रख लीजिए यहाँ पे जूता है, तो अब कोई इस पर खरीदेगा, बाय पे क्लिक करेगा, नया विंडो ओपन हो जाएगा, वहाँ अमेजोन पे लेके चलेगा, वहाँ से वो खरीद सकता है। अब वो अमेजोन उसको डिलीवरी करेगा सारा चीज़, अमेजोन पैसा लेगा, सिर्फ वो कमीशन अमेजोन देता रहेगा। इसी तरह आप जो भी प्रोडक्ट को लिंक बना कर इस तरह कर सकते। ठीक है, तो वेबसाइट तो बन गया। अब देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस पे जो भी क्लिक करेगा, ये तो वेबसाइट का लुक हो गया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। देख लीजिए वेबसाइट का डिजाइन अभी हुआ, वेबसाइट आपका पब्लिश अभी नहीं हुआ है, सिर्फ डिजाइन हुआ। यहाँ पे टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, फिर से करना है तो करना, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ कॉन्टेक्ट अस है, उसके बाद जब नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पूछ रहे हैं अपना वेबसाइट का लिंक क्या रहना चाहिए, जो भी आप लिंक रखेंगे उसमें .myshopmatic.com आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चीप बेस्ट ऑनलाइन शॉप, तो ये बहुत बड़ा हो जाए, चीप बेस्ट देता हूँ मैं, और सर्च भी करेगा ये नाम से कहीं अवेलेबल तो नहीं पहले से, चीप बेस्ट मैंने दिया उसके साथ लग जाएगा .myshopmatic.com, ये लग जाएगा, ये URL हो जाएगा मेरे वेबसाइट का जो फ्री है, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेमेंट सिस्टम आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट गेटवे आ जाएगा, मतलब यहाँ पूछ रहे हैं आप जो सामान बेचेंगे, आप जो डिलीवरी करेंगे वो आप पेमेंट किस तरह लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पेमेंट अगर पेटीएम आप सेलेक्ट करेंगे, पेटीएम मर्चेंट अकाउंट देना होता है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब आप जो ऑफलाइन पेमेंट लेंगे या पेपल के द्वारा अपॉइंटमेंट लेंगे, मतलब जो भी प्रोडक्ट कोई सेल करेगा, मतलब आपका मान लीजिए खुद का प्रोडक्ट है तो आप बेचिएगा तो उसका रुपया जो किस तरह आप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सजेशन करूँगा कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, तो कैश ऑन डिलीवरी को यहाँ पे इनेबल कर दीजिए, तो ये इनेबल हो चुका सक्सेस। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो आपका नहीं होगा, ये तो अमेजोन बेचेगा, अमेजोन के द्वारा आपका बिकेगा ना, तो यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना, सिंपली से यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे कंग्रेचुलेशन, योर साइट इज रेडी टू पब्लिश, आपका साइट रेडी है पब्लिश के लिए। ठीक है, यहाँ पे एडिट कर सकते हैं साइट का, मोर प्रोडक्ट को आप ऐड कर सकते हैं और पब्लिश साइट पे क्लिक करते हैं। मैं अपनी वेबसाइट को पहले पब्लिश कर लेता हूँ नेट पे, गूगल पे। ठीक है, तो ये देखिए मेरा वेबसाइट जो पब्लिक हो चुका है, यहाँ पे ब्लॉक, तो यहाँ पे देखिए पब्लिश ऑन है, यानी पब्लिश हो चुका है हमारे वेबसाइट। ठीक है, अब ये तो मतलब ये कितना प्रोडक्ट है, कितना ऑर्डर है, कितना कस्टमर है, ये सारा चीज़ तो उसके लिए होगा जो मतलब खुद का प्रोडक्ट बेचेगा। तो यहाँ तो मैंने बताया कि अमेजोन का प्रोडक्ट आपको बेचना अपनी वेबसाइट के द्वारा। ठीक है,
यहाँ बहुत सारे मेंटेन भी दिया गया है, कितना रुपया हुआ, कितना रुपया कौन कब हुआ, कितना कस्टमर है, कितना प्रोडक्ट है, कितना ऑर्डर है, ये सब आप देख सकते हैं। लेकिन अपना प्रोडक्ट रहेगा तभी। उसके लिए यहाँ पे एक डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और मैं अपनी सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे चलते हैं, वेबसाइट का लुक देखते हैं। तो एडिट वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। एडिट वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं आप वेबसाइट, यहाँ से आप व्यू कर सकते हैं। एडिट वेबसाइट पाएंगे, यहाँ पे आपको मिल रहा है ये वाला आइकन, ये वाला आइकन पे क्लिक करेंगे व्यू वेबसाइट, ठीक है, व्यू वेबसाइट पे क्लिक कर रहा है तो आपके वेबसाइट का जो लिंक होगा वो नया टाइम में ओपन हो जाएगा, कुछ इस तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस वेबसाइट को हम व्यू कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने इस पे एक लिंक दिया था, अपने वेबसाइट का मोर पे क्लिक करते हैं तो न्यू टैब ओपन हो जाता है, न्यू टैब में मेरे वेबसाइट और मेरा वेबसाइट जो वो ओपन हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसमें भी एक बाय नो में बाय पे एक बटन एक लिंक दिया था, एक प्रोडक्ट का जूता का दिया था, लेकिन यहाँ तो कुछ और जूता का दिया था मैं बताने के लिए। तो बाय पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो नया टैब ओपन हो जाता है, तो नया टाइम में अब उस जूता का डिटेल आया क्योंकि मैंने जूता का डिटेल दिया था, तो अमेजन खुल गया। अब यहाँ से कोई बाय नाउ पे क्लिक करेगा, अगर कोई कुछ खरीदेगा तो आपको अमेजन के द्वारा कमीशन मिलेगा, ठीक है। ठीक, अमेजन के द्वारा कमीशन कैसे मिले, जब एफिलिएट मार्केट बनाते वक्त अपना अकाउंट डिटेल दिए थे तो उसमें आपको पेमेंट भेज दिया जाता है अमेजन के द्वारा, जो भी आपका कमीशन होता है। तो यहाँ पे वेबसाइट देखिए कितनी अच्छी लुक में काम कर रहा है, जिस पे क्लिक करते वो क्लिक हो रहा है। यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो अमेजोन पे चले जाएगा, अमेजोन से खरीदेगा, अमेजोन आपको कमीशन देगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमारी वेबसाइट बन चुकी थी। अब देखिए वेबसाइट में कुछ जोड़ना है, जैसे अपने यूट्यूब का लिंक, फेसबुक का लिंक, वो कैसे जोड़ पाएंगे, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे एड सेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बहुत सारे अदर चीज़ भी पे आउट फॉर्म वगैरह टैक्स वगैरह जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक साइट सेटिंग, साइट सेटिंग में क्लिक करेंगे। यहाँ फ्रंट को, सोशल मीडिया को भी आप ये कर सकते हैं, EDCC CSS कर सकते हैं, चेंज टेम्पलेट भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सोशल मीडिया जो भी जिसका भी मैं लिंक दूंगा वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देख लीजिए मैं एक वेबसाइट का अपने यूट्यूब चैनल का लिंक यहाँ पर दे देता हूँ, तो मैं अपना यूट्यूब चैनल का यहाँ पर लिंक youtube.com ठीक है, मैं अपने YouTube चैनल का लिंक दे दिया उसके बाद ऊपर में सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए ये सेव हो चुका है, आप देखते हैं मेरा सेव हुआ है कहाँ हुआ है। इसके लिए वेबसाइट के सबसे नीचे में आएंगे और यहाँ पे वेबसाइट के नीचे में आपको मिल जाएगा ये करने का, मतलब आइकन मिल जाएगा, आइकन पे क्लिक करके आप कर सकते, जैसे ये मेरा वेबसाइट है इस पर देख सकते हैं आप आइकन, यहाँ पर देख सकते हैं आइकन आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह आइकन आपको भी वहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आप बहुत सारे चेंजिंग कर सकते हैं, एडिट वगैरह कर सकते हैं और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मोबाइल में किस तरह व्यू करेगा, ठीक है, और टैबलेट में किस तरह व्यू करेगा। ये मोबाइल का जो ये मोबाइल ओपन हो गया, मोबाइल में आपका वेबसाइट देखने को कुछ इस तरह का मिलेगा, ठीक है, देख पा रहे मोबाइल में कितना लुक अच्छा आपको नज़र आएगा। उसके बाद टैबलेट में किस तरह दिखेगी, डेस्कटॉप में इस तरह दिखेगा जो दिखा रहा है यहाँ पे व्यू साइट। यहाँ पे सेव कर सकते हैं, यहाँ पब्लिश, इसको ऑफ कर देंगे तो आपको वेबसाइट नेट पे नहीं जाएगा, मतलब पब्लिश नहीं रहेगा, कोई सर्च करेगा नहीं मिलेगा, तो इसको ऑन करेंगे तभी मिलेगा, ठीक। इसी तरह का वेबसाइट बनाकर आप अच्छी खासा इनकम कर सकते हैं बिना अपने प्रोडक्ट का। दोस्तों उम्मीद करेंगे ये वीडियो मैं आपको अच्छी से समझा पाया हूँगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाल बटन में दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों YouTube पे आप सर्च कर लीजिएगा जिसान मॉनिटर, यहाँ बहुत सारे मैंने वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ, ये ऐसे वीडियो आप देख लीजिएगा, आपके काम के बहुत सारे वीडियो मैंने बना चुका हूँ इससे पहले, जिससे आप हज़ारों रुपये कमा सकते हो, मैं अपने दुकान को मिनी बैंक बना सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, तो देख लीजिएगा जाके। आज की वीडियो में यही थी, वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन मैं पूरी तरह विस्तार से आपको समझा पाया हूँगा।